हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अफनान तारिक। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे ट्रैफिक लाइट एनिमेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल एंड सीएसएस। सो फ्रेंड्स, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीट होने के बाद कैसा शो होगा। सो ये रेड लाइट पर हमारी कार स्टॉप होगी, देन जैसे ही ग्रीन होगी तो हमारी जो कार है वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपने सबसे पहले एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। इसको मैं नेम दे देता हूँ TF एनिमेशन एंड इस फोल्डर में मैं फोर इमेजेस मैं पेस्ट कर रहा हूँ, जिसमें से 3 SVG इमेजेस हैं और एक हमारे पास सिंपल रोड की पिक्चर है। सो ये करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, अपना VS कोड ओपन करना है एंड देन यहाँ पे आपने न्यू फोल्ड अपना जो फोल्डर आपने बनाया हुआ है TF एनिमेशन का, इसको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। सो इसमें हमारे पास अभी 4 इमेजेस हैं, जिसमें से 3 SVG है हमारे पास और एक GPG इमेज है। सिंपली आप हम सबसे पहले जो है वो HTML की फाइल क्रिएट करते हैं, जिसको मैं नेम दे देता हूँ TF.HTML। सिंपली हम एक बॉयलर प्लेट ऐड करेंगे, इसको मैं टाइटल दे देता हूँ ट्रैफिक लाइट मूविंग कार एनिमेशन। सो आफ्टर डूइंग दिस हम बॉडी में आ जाएंगे और यहाँ पे सिंपल हम अपने जो HTML का कोड है वो ऐड करेंगे। सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले हम एक इमेज ऐड करेंगे, देन इसको मैं क्लास दे दूंगा लाइट और ID इसको हम दे देंगे ग्रीन लाइट। सो ये करने के बाद सिंपली मैं इसी को ही आपने कॉपी करना है एंड 2 times पेस्ट कर लेना। सेकंड में हम देंगे रेड लाइट और इसकी जो ID है वो सिंपली बस उसको चेंज कर देंगे। एंड थर्ड वन में सिंपल हम देंगे तो ये हमारे पास car.svg आ गई। इसके बाद एक हमने और इमेज ऐड करनी है, इसको क्लास आप दे दें रोड की। सो ये HTML का कोड तो हमने लिख लिया HTML फाइल का। अब सिंपली हम CSS फाइल को मैं नेम दे देता हूँ TF.css एंड
इसकी हम हाइट रख देते हैं 20 VH, बॉडी का हम बैकग्राउंड कलर रख लेते हैं डार्क ग्रे, और जो हमारे पास ट्रैक है हम सो हमने CSS का कोड भी लिख लिया अपनी फाइल में। इसके बाद हम लास्ट में अपनी जावास्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं, देन इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को लाइव सर्वर पे चला के देखते हैं। सो मैं इसको भी tf.js का नेम दे दूँगा, और सिंपली यहाँ पे अपनी अपनी हम जावास्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं। सिंपली आपने इसी को ही कॉपी कर लेना है, देन हम अगेन इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम रेड लाइट की जगह कार दे देंगे। इसके बाद हम टाइम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपल यहाँ पे हम अपना जो फंक्शन है वो कॉल करवा देंगे। इसके बाद हम करते हैं स्टार्ट एनिमेशन।
सिंपली इसी को ही हम एक बार कॉपी कर लेंगे, देन इसको पेस्ट करके इसकी जो वैल्यूज़ हैं, और स्टार्ट की जगह हम कर देंगे एंड की। इसके बाद सिंपली हम लास्ट पे कार को एनिमेट कर देंगे। सिंपल आपने इसको सेव कर देना है। देन हम अपने जावास्क्रिप्ट जो HTML फाइल है उसमें आना है, और यहाँ पे हमने सिंपली स्क्रिप्ट ऐड कर देनी है जो हमारी फाइल है जावास्क्रिप्ट की। सिंपली हम उसे ऐड कर देंगे, और CSS को हम अपनी टॉप में ऐड कर देंगे। सिंपली आपने लिंक इस पे जाना है, लिंक CSS पे, और यहाँ पे फाइल का नेम एडिट कर देना है। फ्रेंड्स, फाइल एड्स करने के बाद सिंपल हम एक बार चेक कर लेंगे अपनी फाइल्स में कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो ये हमारे पास HTML की फाइल है हमारी, एंड ये हमारे पास CSS की फाइल है। सिंपल आपने देख लेना है, अगर आपको कोई एरर वगैरह भी आ रहा है तो आपने एक दफ़ा अगेन चेक कर लेना है कोड का जो मैंने यहाँ पे राइट किया है फाइल में। ध्यान से आपने देखना है, अगर कोई एरर वगैरह भी आता है तो आप इसको इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइल चेक करने के बाद सिंपल अब मैं रन करता हूँ, इसको हम चेक करते हैं अपने ब्राउज़र में। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से मैं फाइल को यहाँ पे इसको पेस्ट कर लें। सो सिंपल हम इसे रीलोड करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखें हमारे पास जो इसको हम अगर अगेन रीलोड करेंगे तो अगेन स्टार्ट से हमारे पास एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ, रेड पे हमारे पास कार स्टॉप है, एंड ग्रीन पे हमारे पास जो हमारी कार है वो मूव करना स्टार्ट हो गया। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारी वीडियो का टॉपिक, हमने एनिमेशन क्रिएट करके देखा ट्रैफिक लाइट। इन नेक्स्ट वीडियो में हम एक डिफरेंट एनिमेशन क्रिएट करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट, जैसे कि हमने इस वीडियो में किया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।